Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7th. Here is your book and the name of your book is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 9 of your book and the name is Python. So let's start the chapter. In this chapter we will learn what are operators. Operators kya hote hain? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, किस किस तरीके के ऑपरेटर्स आपको पाइथन में मिलेंगे. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. सो दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी. व्हाट्स रिटन हियर? There are certain rules in Python that have to be followed to form valid variable names. कुछ rules हैं Python में जिन्हें follow करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो variable name है वो valid बन सके. Write them in the space given below. यहाँ पे space दिया गया है, उसमें हमें लिखना है. Now let's move on to what are operators. So look at this expression: 45 plus 62 minus 23 मल्टीप्लाई बाई 2. ये जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है. हियर द नंबर 45, 62 एंड 23 एंड 2 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. इन सारे नंबर्स को यहाँ पे ऑपरेंड्स कहा जाता है. वेयर एज द सिंबल्स प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई आर ऑपरेटर्स. तो जितने भी सिंबल्स होते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है, नंबर्स को ऑपरेंड्स कहा जाता है. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट. फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन द ऑपरेटर्स रिक्वायर वन और मोर ऑपरेंड्स. किसी भी ऑपरेशन को फॉलो करने के लिए ये जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं. द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स मेक एन एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स अ कंप्यूटेड रिजल्ट. ये दोनों मिलके एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जो एक कंप्यूटेड रिजल्ट देता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑपरेटर्स आर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंटेज. इसके अलावा भी और दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं. इन द पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यू ऑफन नीड टू यूज ऑपरेटर्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस. अगर आपको अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस करने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में तो आपको इन ऑपरेटर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. Let's learn what are the types of operators in Python. There are different types of operators that you can use to perform mathematical and logical operations in Python, such as arithmetic, relation, relational and logical. तो ये कुछ operations हैं जो Python में किए जाते हैं. पहला आता है arithmetic operator. These operators are used for performing basic mathematical calculations. ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज़ किया जाता है. दैट इज़ एडिशन के लिए प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन और डिवीजन के लिए स्लैश जो कि डिवाइड का साइन है. तो इन सारे साइंस को हमें यूज़ करना पड़ता है. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आगे भी क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में. पहला है यूनरी ऑपरेटर्स. These are operators which operate only one operands. जैसा कि आपको इसका नाम दिख रहा है unary means one. So ये क्या करता है, सिर्फ एक operand को operate करता है. Look at the example of unary operator. तो चलिए यहाँ पे example देखते हैं unary operator का. आपके सामने ये आपको python screen दिख रही है. इसमें आपने type किया I is equal to minus 100 and j is equal to plus 500. अब आपने क्या किया, प्रिंट आई जे मीन्स आपने सीधा प्रिंट कर दिया माइनस 100 एंड 500. नेक्स्ट आता है बाइनरी ऑपरेटर्स. दीज आर द ऑपरेटर्स विच ऑपरेट टू ऑपरेंट्स. ये दो ऑपरेंट्स को ऑपरेट करते हैं
And example, for example, x plus y. Here x plus is the binary operator, plus क्या है binary operator है जो work कर रहा है x और y दोनों के ही ऊपर. Binary operators are further classified as shown below. जो binary operators है उन्हें ऐसे divide किया गया है different categories में. तो यहाँ पे आपको operators दिख रहे हैं, उनके नाम लिखे हैं, उनका क्या description है, example है और क्या output वो देते हैं. तो हमने पहला जो ऑपरेटर पढ़ा वो है एडिशन प्लस साइन, जिसको हम एडिशन बोलते हैं. ये क्या करता है, वैल्यूज को ऐड करता है. दोनों साइड में जो ऑपरेटर है एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कर रहा है. एक्स है 20 और वाई है 3, तो दोनों को प्लस करके बन गया 23. सिमिलरली नेक्स्ट है माइनस का साइन, जिसको कहते हैं हम सब्ट्रैक्ट. ये राइट हैंड ऑपरेंट्स है जो लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट करता है. सो x माइनस y लिखा है, x 20 है, y 3 है, तो आंसर विल बी 17. अगला है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करता है दोनों ही वैल्यूज को, तो x मल्टीप्लाई y किया तो आंसर विल बी 60. सिमिलरली डिवाइड की बारी आती है. तो ये जो स्लैश का साइन है ये डिवाइड है, ये डिवाइड करता है ऑपरेटर्स को. तो x इज डिवाइडेड बाई y विच विल बी 6.66. नेक्स्ट आता है परसेंटेज का साउंड, जिसे मॉड्यूल्स कहा जाता है. ये क्या करता है, डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंट्स को राइट हैंड ऑपरेंट्स से और रिमाइंडर दे देता है. सो एक्स डिवाइडेड बाय मींस एक्स मॉड्यूल वाई इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट कम्स, यू कैन सी टू मल्टीप्लीकेशन साइन. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंटेशन. So this performs exponential power. ये power create करता है, means जैसे हम किसी भी number के ऊपर power लगाते हैं ना, तो इसमें हम इसे use करते हैं इस sign को. And ये क्या करता है, x and those star means x to the power 2 and y will come here. तो x को 2, यहाँ पर 20 हमारा जो question लिखा हुआ था 20 था, तो 20 टू द पावर 2 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई y. तो 20 टू द पावर 2 हो जाएगा 400, मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20. अब इसमें हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट एक्सपोनेंटिएशन. दिस इज अ सिंबल. ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल पावर लगाता है किसी भी ऑपरेंड के ऊपर. सो यहाँ पे जैसे x के ऊपर आप पावर लगी हुई है एंड y, एंड हियर यू कैन सी जब इसे सॉल्व किया इन नंबर्स को वी गेट 8000 एज अ आंसर. सिमिलरली ये जो डिवीजन का साइन है दो बार रिपीट हो रहा है, इसे हम फ्लोर कहते हैं या फिर इंटीजर डिवीजन कहते हैं. ये डिवाइड करता है, कट करता है फ्रैक्शनल पार्ट को रिजल्ट में से. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस विल बी द आंसर दैट विल गेट. नाउ To show all the arithmetic operations function, अब जितनी भी arithmetic operations हमने यहाँ पे पढ़े हैं उनके क्या क्या functions हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो हमने x की value है 10 और y की value है 5, हमने print और sum लिखा x plus y. अब अगला लिखा print subtraction x minus y, print multiplication x multiply y, print division x slash y, print floor division x and two times division sign and y, remainder after division x and this percentage sign and y, and exponential is x two times multiplication sign and y. So these all operations we are running and this is the result that we are going to get. So 10 ko humne 10 is x and y is 5. तो जब हमने सम किया तो वी गेट 15, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 50, डिवाइड करने पे 2, फ्लोर डिवीजन में 2 आ रहा है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन 0 है एंड एक्सपोनेंशियल इज 1 लाख. सो दिस इज दीज आर द आंसर्स दैट यू विल गेट आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स. So these operators are used for depicting the relation between operands. ये क्या करते हैं, दो operands के बीच में relation बताते हैं. These operators compare two values the and determine the result as a boolean expression. ये दो values को compare करते हैं और जो result है उसे boolean
एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें शो करते हैं. विच कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स मीन्स इनका जो भी आंसर होता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होता है. देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन. सो दीज आर द ऑपरेटर्स चिल्ड्रेन देयर नेम्स डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल एंड आउटपुट इज हियर. तो यहाँ पे लिखा है पहला ऑपरेटर है आप देख सकते हो टू टाइम इज इक्वल टू साइन इज देयर इज एम इक्वल कहते हैं. ये क्या करता है चेक करता है जो वैल्यू है दोनों ऑपरेंड्स की वो इक्वल है या नहीं. अगर है तो कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स है एट और वाई है सिक्स. तो एट और सिक्स आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है. सो क्या आंसर आया यहाँ पे फॉल्स. सिमिलरली द नेक्स्ट इज दिस इज नॉट इक्वल. ये क्या करता है चेक करता है वैल्यू को कि जो दो ऑपरेंड्स है उसके जो वैल्यू है इक्वल है या नहीं. अगर वैल्यू जो है नहीं है नहीं इक्वल है तो इसका कंडीशन हो जाएगा ट्रू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि एट है एक सिक्स है. तो यहाँ पे ट्रू हमें शो हो रहा है. नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन साइन. ये चेक करता है जो वैल्यू है लेफ्ट ऑपरेंड्स की वो ग्रेटर है या नहीं राइट ऑपरेंड से. अगर होती है तो कंडीशन ट्रू हो जाती. तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट जो है एट इज ग्रेटर देन सिक्स. तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट आता है लेस देन. ये क्या कर सकता है करता है ये चेक करता है कि जो वैल्यू है ऑपरेंड की वो लेस देन है या नहीं. एंड इफ यस अगर ऐसा है तो ये ट्रू शो करता है. तो यहाँ पे देखिए एट एंड सिक्स. सो सिक्स इज लेस देन सो दिस शोज फॉल्स. नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू. इट चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. ये बताता है कि जो वैल्यू है लेफ्ट की वो ग्रेटर देन है या नहीं राइट से. अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन ट्रू दिखाता है. तो ये देख रहा है कि जो लेफ्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर है या नहीं राइट से. तो यस ये ग्रेटर है तो यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है. नेक्स्ट आता है लेस देन और इक्वल टू. ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसकी वैल्यू जो है कम है या नहीं है राइट वाले से. तो यहाँ पे एट और सिक्स इसकी वैल्यू कम नहीं है सिक्स से. सो यहाँ पे आपको फॉल्स दिखेगा. अब यहाँ पे इन सारे ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे लगा कर देखा है कि एग्जाम्पल में देर इज़ अ प्रोग्राम दैट शोज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर फंक्शंस. सो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 32 रखी है. प्रिंट करना है हमें ए इज़ ग्रेटर देन बी. तो आपने क्या देखा यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स. अगेन ए इज स्मॉलर देन बी ट्रू. नेक्स्ट है ए इक्वल टू फॉल्स. ए इज नॉट इक्वल टू ट्रू. ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉल्स एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी ट्रू. सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर चिल्ड्रेन द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. इट्स गोइंग टू शो अस वॉट एवर विल बी द रिजल्ट इन पाइथन. नेक्स्ट कम्स स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. If you are working with string values, then you will have to perform operations on them. अगर आप string values के साथ काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा operation करना पड़ेगा perform उनके साथ. Only two kind of operations are performed on string data type. दो तरीके के ही operation perform किए जा सकते हैं string data type में. You can either join two strings or replicate a string multiple times. या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को या फिर उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं बहुत बार. प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स आर यूज्ड ऑन स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग में हमेशा प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स ही यूज किए जाते हैं. सो पहला आता है प्लस ऑपरेटर. इट्स नोन एज कॉनकाटिनेशन ऑपरेटर. When you use it with strings, जब आप इसे strings के साथ use करते हैं it's used for joining two or more strings. इसे use किया जाता है join करने के लिए दो या उससे ज़्यादा strings को. फिर आता है multiplication operator. It is used for replicating a given string a number of times. ये use किया जाता है replicate करने के लिए बहुत सारे strings को कई बार.
इट इज ऑल्सो नोन एज रेप्लीकेशन ऑपरेटर. तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे इन स्ट्रिंग्स को यूज किया जा रहा है. तो ए की वैल्यू है गुड एंड बी की वैल्यू है डे. अब हमने प्रिंट में ए प्लस बी किया है तो आंसर आ गया गुड डे. अब जो है दूसरा, हमने दूसरा स्ट्रिंग जो बनाया उसमें हमने क्या किया, प्रिंट ए थ्री टाइम्स मीन्स थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया है, ए को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू थी गुड, तो यहाँ पे आपको गुड थ्री टाइम्स लिखा हुआ दिख रहा है. सो ये हैं ये मल्टीपल मल्टीप्लाई मीन्स स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. नेक्स्ट आता है प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर आर एग्जीक्यूटेड. ये जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स के, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं जो भी ऑर्डर है जिसमें भी ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन इज लिस्टेड इन द गिवन टेबल. ये जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है पाइथन के लिस्ट में, वो जो है टेबल में आपको दिख रहा है. द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इज एट द टॉप. जो हाइएस्ट प्रेसिडेंस है वो टॉप पे है. द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन. अब ये सारे आप कह सकते हो सिंबल्स या फिर ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं एंड इनके नेम यहाँ पे दिए गए. तो पहला जो ऑपरेटर है वो है पैराथीसिस. सेकेंड, पहला जो ऑपरेटर है वो है पैराथीसिस, सेकेंड है एक्सपोनेंट, थर्ड में आप देख सकते हो मल्टीपल है. पहला है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन है, फिर मॉड्यूल है, फिर फ्लो डिवीजन है. उसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फिर आता है कंपैरिजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, स्मॉलर देन एंड इक्वल. नेक्स्ट आते हैं आपके असाइनमेंट जिसमें इक्वल टू, प्लस और इक्वल टू, माइनस और इक्वल टू, मल्टीप्लाई और इक्वल टू, डिवाइड और इक्वल टू, मॉड्यूल और इक्वल टू एंड एक्सपोनेंट और इक्वल टू और फ्लो डिवीजन और इक्वल टू एंड लास्ट में आता है एंड और नॉट, जो कि लॉजिकल के नाम से जाना जाता है. नाउ योर चिल्ड्रन, हियर इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है. सो डू इट हियर. नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्ट्रक्चर. कैसे हम स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग यू ऑफन नीड टू परफॉर्म टास्क बेस्ड अपॉन द कंडीशन व्हिच इज ईदर ट्रू और फॉल्स. हम अगर बात करें प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की, तो इसमें आपको क्या करना होता है, टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है कंडीशंस के बेसिस पे कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है. यहाँ पे अब एग्जाम्पल दिए गए, लेट्स सी क्या लिखा है. Consider the example of a program that prints the greater of two numbers. ऐसा program जो दो numbers में से greater बता रहा है. If number one is greater than two, then print number one. तो यहाँ पे हमने condition क्या लगाई कि अगर number one जो है number two से बड़ा है तो हमें क्या print करना है, number one को print करना है. Else print number two. नहीं तो number two print कर दो. This is called the conditional statement. इसे हमने conditional statement कहते हैं. Every decision involves an option between two alternatives. जितने भी decisions हैं सब में जो है दो alternatives होते हैं, या तो yes होता है और दूसरा no होता है. अब consider another example. अब दूसरा example देखते हैं. A man needs to print his name 100 times. एक आदमी को 100 times अपना नाम print करना है. How should he program? How should the program be controlled? Program को कैसे control किया जाए? A few lines of the program will have to be performed repeatedly. एक कुछ lines जो है perform करनी है बार बार. For a specific number of times till the given condition is true. जब तक ये condition 100 times print करने वाले true नहीं हो जाती. So यहाँ पे हम condition लगाएंगे. If the condition is false, the control comes out of the loop. And the repetition stop. अगर condition false है तो repetition रुक जाएगी. This is called iteration. Sometimes a program may need to take decision or repeat a block of code. कई बार क्या होता है, ये जो program होता है इसे जो decision लेने में time लगता है
और ब्लॉक कोड को रिपीट करने में भी टाइम लगता है. फॉर दिस पाइथन कंट्रोल्स प्रोवाइड्स कंट्रोल स्ट्रक्चर. इसके लिए पाइथन क्या करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इन ए प्रोग्राम अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच 106 स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. अगर एक प्रोग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है वो 106 तरीके के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है. लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. सो हियर आर सम टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. इन पाइथन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स और स्टेटमेंट्स विच गवर्न द फ्लो ऑफ कंट्रोल. तो पाइथन में बहुत सारे तरीके के कंस्ट्रक्ट या फिर स्टेटमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ प्रोग्राम को. पहला आता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स. मींस ये जो है सेंटेंस को सीक्वेंस में चलाता है. सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मींस द स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली. मींस एक के बाद एक ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट्स है, ये चल रहे हैं. दिस रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स. और ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट्स का डिफॉल्ट फ्लो. एवरी पाइथन प्रोग्राम बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. जितने भी पाइथन प्रोग्राम्स हैं वो फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम के. ईच स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्न इज एग्जीक्यूटेड. और हर स्टेटमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट किया जाता है. While the final statement of program is executed, the program is done. और जब final statement तक पहुँचते हैं, जब तक जो है program ख़त्म नहीं होता है, जैसे final statement ख़त्म होता है program over हो जाता है. Sequence refers to the normal flow of control. Sequence क्या है, ये एक normal flow है control का in a program and is the simplest one. और ये काफ़ी ज़्यादा simple होता है. नेक्स्ट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं इन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. ये क्या करते हैं, कॉज द प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन. ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुँचाते हैं डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन. ये जो भी आउटकम होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन का उस पर डिपेंड करता है. एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव्स. हर एक डिसीजन में जो है दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक होता है येस और दूसरा होता है नो. इफ़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है देन व्हेन्स वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो एक सेट एग्जीक्यूट किया जाता है. अदरवाइज द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो दूसरा स्टेट है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है. नेक्स्ट आता है इटरेटेड स्टेटमेंट्स. दीज स्टेटमेंट्स ऑल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स को हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं. इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ये क्या करता है, इनेबल करता है जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करता है. और ये बार बार रिपीट करता है उस कंडीशन को जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. एज सून एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप एंड रिपीटेशन स्टॉप्स. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये जो है रुक जाता है और बाहर आ जाता है लूप से. इन दिस चैप्टर यू विल बी स्टडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट इन डिटेल. और इस चैप्टर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे. डिसीजंस इन अ प्रोग्राम आर यूज व्हेन द प्रोग्राम हैज़ कंडीशनल चॉइस. डिसीजन जो है किसी भी प्रोग्राम में तब यूज़ किए जाते हैं जब किसी भी प्रोग्राम में कंडीशनल चॉइसेस होते हैं टू एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक लाइट. चलो ट्रैफिक लाइट के एग्जाम्पल लेके देखते हैं. जहाँ पे क्या है, अलग अलग कलर्स को यूज़ किया जाता है लाइट के अलग अलग टाइम पे, जैसे भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे किया जाता है. और एनी स्पेसिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल या फिर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग इन लाइट्स को चेंज किया जाता है. इट इज़ द प्रेडिक्शन ऑफ कंडीशन दैट अकर्स While executing a program. ये क्या है, ये एक prediction है condition का जो होता है जब program को execute किया जाता है.
to specify action. Multiple expressions get evaluated with an outcome of either true or false. बहुत सारे expressions आते हैं outcome के साथ कि जो condition है वो true होगा या फिर false. Python provides decision making statements to make decision within a program. Python क्या करता है? Decision making statements को provide करता है decision लेने के लिए एक program के अंदर. For an application based on the user's requirement. तो जैसा user का requirement है उसके according ये programs decision लेते हैं. So Python provides various types of conditional statements. पहला है if statement, फिर आता है if else statement और फिर आता है if elif else ladder. तो ये तीन तरीके के conditional statements है. Let's read about them. पहला जो statement है वो है if statement. The if statement is the simplest conditional statement. ये सबसे ज़्यादा simple conditional statement है. यहाँ पे जो structure है होता है, यहाँ जो statement है, statement or a collection of statement within the if block is executed only if a certain condition or expression is evaluated to true. तो ये condition तभी follow होता है जब जो है उसका outcome क्या होता है? True होता है. If the condition evaluates to false, अगर ये condition false तक जाती है तो ये जो control होता है ये अगले level या अगले statement तक pass on हो जाती है. And after the if block, the syntax of the if statement is given below. तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं क्या है इसका syntax. तो इसका syntax है if test expression indented statement block hashtag if block end here. Now children, let's move on to extra bytes. In Python, the non-zero value is interpreted as true. जो non-zero value है उसे true माना जाता है. Non and zero are interpreted as follow. अगर कहीं पे none लिखा है या फिर zero लिखा है इसका मतलब उसे false माना जाता है. Let's do this program. The program is in front of you to check whether a given statement, given number is greater than 10 or not. तो हमने एक क्या बनाना है, एक statement बनाना जिसमें ये पता करना है कि जो दिया गया number है वो 10 से बड़ा है या फिर नहीं. सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिख दिया if लिखना है हमें, फिर a is greater than 10. अब हमने क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नंबर को. तो जैसे ही हमने इसे यहाँ पे प्रिंट किया तो आंसर क्या आया, एंटर आ नंबर. अब उसने हमसे पूछा कि नंबर एंटर करो, हमने नंबर डाला 100 एंड अब यहाँ पे लिखा आया है नंबर इज ग्रेटर दैन 10. मीन्स 100 जो नंबर आपने एंटर किया है वो 10 से बड़ा है. सो ये क्या है, हमारा इफ स्टेटमेंट है. नेक्स्ट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट. द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स फॉर अ कंडीशन, ये कंडीशन को चेक्स करता है. इफ मतलब अगर ये है तो ठीक, नहीं तो वो कर दो, अगर ये है तो कर दो, नहीं है तो दूसरी चीज कर दो. तो ये है इसका मतलब. तो ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये चेक करते हैं कंडीशन को. इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है the indented block follow the if statement. अगर true है तो if statement चलेगा and otherwise indented block after the else statement is executed. और अगर नहीं है तो दूसरा जो statement है वो चलता है यहाँ पे. The syntax of the if else statement is given below. यहाँ पे syntax दिया गया है if else statement का. तो आप देखिए syntax है if and indent block, next है else और फिर indented block. सो चलिए देखते हैं क्या प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है. टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन 400. यहाँ पे नंबर है उसे बताना है कि वो 400 से बड़ा है या फिर छोटा है. तो हमने यहाँ पे डाला इफ ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 400. तो यहाँ पे अब लिखा है प्रिंट वैल्यू और प्रिंट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 400. अब हमने एल्स में डाला प्रिंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 400. तो लेस देन या 400 के बराबर है तो हमें ऊपर वाली फॉलो करनी है और अगर उससे जो है बड़ा है 400 से तो एल्स वाले कॉलम में जाना है. तो जैसे हमने ये फेल किया तो हमसे पूछा गया कि टाइप द नंबर. अब हमने नंबर टाइप किया एंटर द नंबर में
250. अब 250 क्योंकि 400 से छोटा नंबर है तो ऊपर वाली कंडीशन फॉलो होगी, वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 400. नेक्स्ट नंबर है 500. अब जो 500 क्योंकि 400 से बड़ा है तो यहाँ पे एल्स वाली कैटेगरी को फुलफिल किया जाएगा और यहाँ पे आंसर लिख के आया कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 400. नेक्स्ट कम्स द इफ एलिफ एल्स लैडर. द इफ एलिफ एल्स लैडर इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट. ये भी एक तरीके का इफ स्टेटमेंट है. ये क्या करता है, हेल्प करता है टेस्ट करने में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस को, एंड फॉलो करता है अ टॉप डाउन अप्रोच. ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है. इन दिस एज सून एज अ कंडीशन ऑफ द इफ इवेल्युएट्स टू बी ट्रू. अगर इसमें इफ की कंडीशन ट्रू है द इंडेंटेड ब्लॉक एसोसिएटेड विद द इफ इज एग्जीक्यूटेड. जो इफ के साथ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. And the rest of the ladder is avoided. जो बाकी ladder है वो छोड़ दिया जाएगा. If none of the condition evaluates to be true, अगर कोई भी condition true नहीं होती है then the final else statement get execute. Means if के बाद elif वाली अगर कोई भी statement true नहीं होती तो else वाले statement को follow किया जाएगा. The syntax for the if elif else ladder is shown below. तो if indented block 1, एलिफ इंडेंटेड ब्लॉक 2, एलिफ इंडेंटेड ब्लॉक 3 एंड फिर आता है एल्स इंडेंटेड ब्लॉक. तो ये है सिंटेक्स, इस तरीके से हम अपने पाइथन में लिखेंगे. तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू नंबर गिवन बाय द यूजर फर्स्ट टेक 5 मंथ्स. तो 5 मंथ्स लेने हैं और नेम जो है यूजर के अकॉर्डिंग बताने हैं. तो यहाँ पे हमने डाली है प्रिंट एंटर नेम ऑफ द नंबर ऑफ द मंथ. नंबर क्या है, इनपुट इंटीजर. एंटर योर चॉइस. इफ नंबर 1 इज जनवरी, एलिफ है नंबर 2 फरवरी, एलिफ नंबर 3 मार्च, एलिफ नंबर 4 अप्रैल, एलिफ नंबर 5 मई. एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट. तो ये सारे जो है हमने जो है कमांड्स डाले हैं इसमें. अब जो है क्या रिजल्ट आता है, एंटर नंबर ऑफ द मंथ, एंटर योर चॉइस. तो हमने चॉइस डाल दिया है 1. सो 1 क्या है, जनवरी. तो यस, अब आप देख सकते हो हमारा जो है जनवरी यहाँ पे प्रिंट हो गया है. एंड इसके साथ ही क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो अब आगे कोई और नंबर आपको प्रिंट होता हुआ नहीं दिख रहा है. और अगर ये फॉल्स होती तो हम सीधा आते हैं एल्स वाले ब्लॉक पे. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस in Python, such as arithmetic, relational and logical. Precedence of operators determine the order in which the operators are executed. Sequence refers to the normal flow of control in a program and is the simplest one. If a conditional statement is true, then one set of statement is executed. Otherwise, the other set of statement is executed. Iterative statements, also known as looping statements, enable the execution of a set of statements to be repeated till the condition is true. As soon as the condition becomes false, जैसे condition false होता है, the control comes out of the loop and the repetition stops. Decision in a program I used when the program has conditional choice to execute code below. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. Here the first one is tick the correct option. First question over here is children that there are the values on which the operator works.
सो दीज आर द वैल्यूज जिसपे ऑपरेटर वर्क करते हैं. सो आर दे ऑपरेंड्स, वेरिएबल नंबर्स और नन ऑफ दीज? सो दीज आर ऑपरेंड्स. वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई? एक्स इज इक्वल टू वाई. सो यहाँ पे पहले देखिए x की वैल्यू 10 दी गई है, y की भी 10 दी गई है. तो क्या x जो है y से बड़ा है? यहाँ पे आता है फॉल्स. अब यहाँ पे अगेन कहा जा रहा है क्या x इक्वल टू है y के. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y एंड इक्वल टू y. अब दोनों कंडीशंस को मिला के द आंसर विल बी फॉल्स हियर. सो वी विल टेक फॉल्स. So like this children, do the rest three questions yourself. Now let's move on to fill in the blanks B exercise. Now children, let's move on to B exercise, fill in the blanks. Here the first one is, in the expression 2 plus 8 dash is the operator. Operator kya hai? Toh isme jo operator hai wo hai plus. Operators that work on two operands are called binary operators. So let's write here binary. Like this, do the rest three questions yourself. Now let's move on to true or false. Preference is given to the high precedence operator. Yes, this is true. You can use unary operator on more than three operands. No, this is false. We can use it only on one operands. Now children, the rest three questions are your homework. You have to do it yourself. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is, what are operators? So operators are the symbols that represent arithmetical and logical operations. Next is, what are conditional statements? So conditional statements are decision making statements, and these cause the program control to transfer to a specific location depending on the outcome of the expression. So these are the conditional statements, and there are three categories in which these can be divided: if, then if else, and if elif else. So these are the three statements in under conditional statements. Now children, the rest three questions, question number 3, 4, 5 is the homework. You have to do it yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.